नमस्कार साथियों, आदाब। मैं हाफिज नियामत कुरैशी, आप देख रहे हैं राग 24 न्यूज ऑफिशियल पे। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है मछली शहर नगर के सराय वार्ड में है, सराय मेन चौराहे पर। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वरिष्ठ नेता कृपा शंकर श्रीवास्तव जी। आज इनसे कुछ खास बातचीत करना चाहूँगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी पिछले साल कह लें या कुछ दिन पहले कह लें कि केंद्र सरकार द्वारा जो कानून जो है पारित किया गया था, बनाया गया था, हिट एंड रन लॉ, जिसका मतलब ये है कि लापरवाही के कारण कोई भी व्यक्ति गाड़ी चलाता है और किसी की जान ले लेता है, तो उसमें जो प्रावधान था पहले जो था उसमें 2 साल की सज़ा थी। लेकिन इस बार जो है भारतीय न्याय संहिता के तहत जो है तकरीबन जो है 10 साल की सज़ा हो गई है और 7 लाख रुपए जुर्माना कहा गया है। भारतीय न्याय संहिता धारा 104, इसमें जो है 2 चीज़ें हैं, धारा 104 ए, धारा 104 बी। आइए हम सर से बात करना चाहेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका हमारे चैनल में। सर, जैसा कि बात तो एक चर्चा के तहत ही की जा रही है, जैसा कि रोज़ाना मिलना जुलना हम लोगों का होता है, अभी कुछ दिन पहले जो है केंद्र सरकार द्वारा जो है हिट एंड रन ला जो है कानून जो है पारित किया गया, बनाया गया है, उसमें जो है इस बातों को लेकर जैसे ही बातें चली वैसे ही तमाम जो है जितने भी बड़ी गाड़ियों के ड्राइवर थे और छोटी गाड़ियों के ड्राइवर थे, सभी ने स्ट्राइक कर दिया, आंदोलन किया और जगह जगह पर गाड़ियां रोक कर कहा कि ये कानून जो है हम लोगों के ख़िलाफ़ है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं तो किस नज़रिए से इसको देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे पहले और अब में कि कानून में जो बदलाव हुआ है तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये है कि हिट एंड रन को आप समझिए। हिट एंड रन मतलब ये है कि किसी ने हिट किया या बाय डिफॉल्ट हो गया, लापरवाही से हो गया या जानबूझ के हो गया, चाहे जैसे भी हो गया, हिट किया किसी भी व्यक्ति को और रन कर गए, रन मतलब भाग गए। और आम तौर से जो भी गाड़ी ड्राइवर है, ट्रक की ही बात नहीं है, जो गाड़ी रखे हैं लोग, उन लोगों के साथ भी ये होता है कि कहीं एक्सीडेंट होता है तो वो सोचते हैं कि कानूनी कुछ लेने क्या पड़े, अभी रुकेंगे लोग आ जाएंगे और इकट्ठा होकर लोग हमारी गाड़ी तोड़ देंगे, हमको मारेंगे, इसलिए डर के मारे भी लोग भागते हैं और अभी भी भागते हैं लोग, आमतौर से यही ज़मीन पर देखा जाता है। तो जो हिट एंड रन का मामला, जैसे लॉन्ग रूट की गाड़ियाँ जो ट्रक ड्राइवर जो हड़ताल किए थे, उन लोगों का आपत्ति विशेष ये था कि जो 7 लाख रुपये जुर्माना और 10 साल की जो सजा है ये गलत है, बहुत ट्रक ड्राइवर बहुत गरीब आदमी है। दूसरी बात, वो उनको डर जो विशेष रूप से था कि सरकार कहती है हिट करके भागो मत, रन मत करो, और हम रन नहीं करेंगे तो मॉब लिंचिंग हो जाएगा जिसके कारण हमारी मौत भी हो सकती है, और ये डर के मारे है, ये सही है, हर ड्राइवर ये सोचता है। लेकिन तमाम तरीके की वीडियो वायरल हुई। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, जो जो उन लोगों ने आर्गुमेंट किया, जो ट्रक ड्राइवर के जो हड़ताल किए थे, उन लोगों का आर्गुमेंट बेसिक यही था कि अगर हम वहाँ हिट करके रन नहीं करते तो ऐसी परिस्थिति में हमको लोग पकड़ के हमारी लिंचिंग कर देंगे, मॉब लिंचिंग के रूप में, तो मैं क्या करूँगा, मेरी तो जान चली जाएगी। लेकिन इसको हिट एंड रन केस को समझने से पहले भारतीय न्याय संहिता जो अभी अपना कानून आया है, स्वदेशी शब्दों में आया है, उसको भी समझिए कि उसका मतलब क्या है। मतलब ये है कि जैसे पहले सरकार ने मॉब लिंचिंग का कानून बनाया कि मॉब लिंचिंग पर कोई कानून पहले बहुत विशेष नहीं था, बहुत सख्त कानून नहीं था, ठीक है? और आप भी क्योंकि विधि के छात्र रहे हैं तो आपको भी पता है कि मॉब लिंचिंग में कोई विशेष सख्त कानून नहीं होता था, बस इतना था कि ज़्यादा लोग मिल के मार दिए तो बहुत ज़्यादा उसमें वो मामला नहीं था। तो मॉब लिंचिंग का भी कानून अभी सरकार ने सबसे पहले सख्त बनाया इसी न्याय संहिता में कि मॉब लिंचिंग करने वाले जितने भी लोग उसमें रहेंगे, वीडियोग्राफी में कहीं भी जो तथ्य आएंगे सामने, तो उनको मृत्युदंड तक की सजा हो सकती है, नया कानून ये भी कहता है न्याय संहिता। दूसरी बात, अब ये तो मॉब लिंचिंग का हो गया, अब उनको मॉब लिंचिंग का डर नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सरकार ये कतई नहीं कह रही कि आप
एक्सीडेंट करके वहीं खड़े रहो। जैसे सरकार ने जो नियम बनाया है न्याय संहिता में, उसमें यह है कि जैसे आपका एक्सीडेंट कहीं भी चल रहे हैं, आप मान लिया हाईवे पे चल रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बात नहीं, एक्सीडेंट एक आम बात है, होता रहता है, गाड़ी चलेगी तो थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा, एक्सीडेंट हो गया तो इसकी सूचना आप जो थाना नज़दीक पड़े उसको दें या मजिस्ट्रेट को दें, प्रशासनिक अधिकारी को सूचना दे दें। उसके पीछे तथ्य यह है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है, अगर सूचना हो गया तो वो एक्सीडेंट जिसका हुआ है वो बच भी सकता है, उसका इलाज भी हो सकता है और वो प्रशासन तुरंत ये चीजें का दूसरी बात, ये चीजें तो पहले भी तो थी, दूसरी बात पहले भी थी ठीक है, लेकिन लोग कर तुरंत भाग जाते थे। पहले तो इसमें जो प्रावधान था इसमें सिर्फ 2 साल की सजा थी। हाँ, बता जो लॉर्ड मैं आ रहा हूँ। इसके बाद क्या है कि आप अगर हिट करके रन करके चले जाते हैं और सूचना नहीं देते हैं, फिर अज्ञात नाम से आमतौर से केस होता है आंदोलन होने के बाद, तो अज्ञात नाम से केस हुआ, उसमें तथ्यों में अगर आ गया कि मेरी गाड़ी है, मैं ड्राइवर था और मैं फिर पकड़ा गया, पकड़ा जाने के बाद ये अगर साबित हो गया कि हिट एंड रन किया आपने, यानी जितना नहीं दी और आप भाग गए, तब आपके ऊपर 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना है। अगर आपने सूचना दे दिया है तब आपके ऊपर ये जुर्माना नहीं है, क्योंकि सरकार ये मानती है कि अगर गलती किसी से भी हो सकती है और गलती होने के बाद जिसने सूचना दे दिया है तब उसके ऊपर नहीं लागू, उसके ऊपर 5 साल की सजा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूँ 10 से 5 हुआ ना, घटा ना, पाँच की बात घटा ना, वो तो घटा कि नहीं घटा, तो भाई और जुर्माना क्या है, कुछ नहीं, तो जुर्माना तो नहीं है ना। तो अब चूंकि ये कोर्ट का विषय है, ट्रायल का विषय है, जब आप हिट करके रन कर गए, भाग गए, तो किसी जब केस हुआ अज्ञात नाम से तो उसमें आपका ये आया कि ये जो मामला है वो उसके लिए है जो मार के या धक्का मार के या एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं। आप एक्सीडेंट करके भागिए मत, आप एक्सीडेंट आपसे हो गया, खून से हुआ, चाहे जैसे हुआ, तो उसकी सूचना आप शासन प्रशासन को दे दें ताकि जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको भी मदद हो सके और आपके ऊपर भी केस न हो। जो ये नहीं करेगा उसके ऊपर 10 साल की सजा, उसको अगर सिद्ध हो गया तो 10 साल की सजा। ये सारी चीजें तो जो नए कानून बना है पारित हुआ है उसमें है, लेकिन इससे पहले जो है लॉर्ड बैकाले का जो मामला था, उनका जो कानून चल रहा था, जो सारी चीजें थी उसमें सिर्फ 2 साल की सजा थी। हाँ, लॉर्ड बैकाले का आपने नाम लिया, लॉर्ड बैकाले का कानून अब वो इतिहास की बात बन गई। अब भारत का कानून आज की डेट में अब 1887 का कानून, काफी दिनों तक तो उनका कानून चला। मैं बता रहा हूँ आपको, तो बहुत से कानून बदले गए हैं, बहुत से कानून बदल रहे हैं। तो अब जैसे मॉब लिंचिंग पर कोई कानून नहीं था, मालूम पड़ा 4 से ऊपर व्यक्ति अगर मिलके किसी को भी मार देता था तो कुछ नहीं होता था। ये क्या बात है, एक आदमी की तो हत्या हुई ना, चाहे कोई भी हो इंसान की हत्या हुई। कुछ लोगों की वीडियो वायरल हो रही, लोगों का कहना है अगर आपको इस तरीके का कानून बनाना है, कानून पारित करना है, तो लोगों से मशवरा किया जाइए, बगैर मशवरे के तहत ये चीजें हो गई हैं जिससे जो है ड्राइवर और सारे लोगों नहीं नहीं ऐसा नहीं तकलीफ हो रही है, ऐसा नहीं, मशवरा आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बीइंग एज ए स्टूडेंट ऑफ विधि, लॉ के स्टूडेंट आप भी हो, मैं भी लॉ का स्टूडेंट रहा हूँ, जब भी संसद में कोई कानून बनता है उसके पहले प्रस्तावित कमेटी होती है, उसमें बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग बैठते हैं, विधि विशेषज्ञ बैठते हैं, उस पर बाकायदे मंथन होता है, चर्चा होती है, परचर्चा होती है, फिर वो कानून बन के सदन में आता है। सदन में जिस समय आया है, दुर्भाग्य था कि हमारे जो तथाकथित हिंदी गठबंधन है, जो अपने आप को इंडिया कहते हैं, वो लोग सदन से बाहर हुआ कर उठ करके चले जा रहे और रहते हैं, तो उसमें चर्चा तो करते हैं, लेकिन अब क्या करोगे। अब देश का दुर्भाग्य है कि विपक्ष के लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और झुंझुना बजा के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, और ये आंदोलन भी कहीं ना कहीं राजनीतिक विषय ही है, बाकी कुछ नहीं। और सरकार ने तो बाकायदे स्पष्ट कहा है कि भाई आप जो यूनियन वालों ने ट्रक ऑपरेटर ने हड़ताल किया था उनसे कहा है कि आप बैठेंगे, अभी तो कानून लागू है नहीं, अभी तो बना है ना, सिर्फ आपको आपके साथ बैठ के इस विषय पर चर्चा करके जो आप कहेंगे वही रख दिया जाएगा। अब सवाल इस बात का है, मैं आपसे कहता हूँ, आप भी एक विधि के छात्र रहे हैं, अगर कोई इस तरह से हत्या करने के मकसद से कोई हिट करके रद्द कर गया तो आप बताओ उस पर कौन सा कानून लागू होना चाहिए, आप ही बताओ, आप भी कहोगे कि नहीं तो गलत है। बिल्कुल गलत तो है, लेकिन लोग जो है नाराजगी जाहिर कर रहा है, विपक्ष नाराजगी जाहिर कर रहा है। राहुल गांधी का आपने ट्वीट पढ़ा ही होगा, राहुल गांधी क्या बोलते हैं उसको बहुत सुन लिया। राहुल गांधी जी ने अपने ट्वीट में लिखा कि वसूली, ये मामला जो है आगे चल के वसूली तंत्र को बढ़ावा दे सकता है। नहीं, वसूली तंत्र कितना हुआ है आपको पता है,
कांग्रेसियों ने जितना किया है ये भी पता है, 9 साल से सबकी वसूली बंद है, तो ये ज्यादा परेशान है। तो बात बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, ना तो बहुत बात का जवाब देते हैं। वसूली किसकी सरकारों में कितनी होती थी, आज कितनी हो रही है, ये पूरा देश जानता है, इसको बताने की जरूरत है। जो जितने लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, आंदोलन किया था, काफी वजह से जो है तकरीबन जो है एक दिन के अंदर जो है 100 करोड़ का नुकसान माना गया। कोई भी आंदोलन देशव्यापी जब होगा तो उसका नुकसान होगा, नुकसान हुआ। और आपको पता है इंडी गठबंधन एनके प्रकार किसी भी एनी हाउ वो सिर्फ और सिर्फ डिस्टर्बेंस पैदा करती है और अराजकता को बढ़ाना चाहती है। इसी कारण से इंडी गठबंधन ने इसका समर्थन दिया था। मैं बता दूँ आपको, अगर ऐसे कानून का विषय का मामला था तो क्यों नहीं विपक्ष के लोग बैठे साथ में, काहे सदन से बाहर चले गए, बैठ के डिस्कस करते और उसको शुद्धिकरण करते। क्या मैं कहता हूँ शुद्धिकरण करने का मतलब आज बैठ के बताए ना कि उसमें क्या करना चाहिए। अगर कोई इंटेंशनली मर्डर करता है ऑन द रोड एज ए ड्राइवर तो व्हाट विल हैपन, ये तो प्रश्न होता है ना। अगर वो बाय डिफॉल्ट हो गया, सबसे होता है, गलतियाँ हो जाती हैं, मिस्टेकनली एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट मिस्टेकनली और मर्डर इंटेंशनली होता है, तो आप अगर किसी को हिट करके भाग रहे हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, मैं ये आपसे पूछता हूँ। तो कहीं ना कहीं ऐसे दोषी व्यक्ति को जो अपने ड्राइविंग लाइसेंस का गलत उपयोग कर रहा है तो उसको रोकना भी सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार बहुत सख्ती से तमाम चीजों को ध्यान दे रही है और करेगी। और न्याय जो न्याय संहिता बनी है उसमें अगर कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो उसको शुद्धिकरण किया जा सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। और इतना बड़ा विषय हल्ला करके पूरा देश में पूरी देश की अर्थव्यवस्था को डिस्टर्ब करना और आम पब्लिक को हुआ ना महंगी महंगी करवा देना, चीजें महंगी हुई, पेट्रोल नहीं मिल पा रहा था, ये देखिए क्या है, ये सिर्फ अराजकता बढ़ाने का तौर तरीका था, बाकी और कुछ नहीं था। आखिर वही हुआ, आखिर भाई मैं कहता हूँ कानून तो भी लागू है, कानून लागू है, कानून अभी लागू नहीं है। तो अभी जो लागू अभी नहीं हुआ है उससे पहले ही आप यहाँ से आंदोलन कर रहे हो, और क्योंकि चुनाव नज़दीक है, इधर अयोध्या में राम मंदिर का भी मुद्दा चल रहा है, तो आपने कहा कि कर दो ताकि सरकार डिस्टर्ब हो जाए, थोड़ा ये हो जाए। राजनीति हर जगह नहीं की जाए, राजनीति की जगह होती है, आप राजनीति सकारात्मक करें। अगर आपके समझ में आता आया कि ये हिट एंड रन का जो केस है ये गड़बड़ है, इस तरीके से कानून नहीं बनना चाहिए, तो आप उसका एक फोरम है वो सदन फोरम है, सदन के पटल पर बाकायदे इस पर बहस होनी चाहिए थी, सदन के पटल पर आप अपना तर्क रखते। आप तो सिर्फ राजनीति कर रहे हो, सदन को राजनीति गड्ढा बनाए हो, तो क्या करोगे, यही सब चीज़ें हो और कोई बात नहीं। बाकी देखिए, जो ट्रक ऑपरेटर ने हड़ताल किया, मैं पूछता हूँ आपसे, एक प्रश्न कर रहा हूँ, मैं आप मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा कि इस पूरे आंदोलन में ट्रक ऑपरेटर ने ही सिर्फ हड़ताल क्यों किया, क्या जो प्राइवेट गाड़ी रखे हैं उनके ऊपर लागू नहीं है, उनके ऊपर भी लागू है, सारे लोग जो भी ड्राइवर है सबके ऊपर लागू है, जो लाइसेंस रखने वाले सबके ऊपर लागू है, तो खाली ट्रक ड्राइवर क्योंकि। तो देखिए बहुत सी चीज़ें हैं, मैं कहना नहीं चाहता मीडिया के सामने, लेकिन आप समझ लीजिए सिर्फ और सिर्फ अराजकता देश में बढ़ाने का ये एक मकसद था, जिसको देश की सरकार ने समय रहते बैठ कर डिस्कस करके समाप्त कर दिया। ये समझ लीजिए बहुत बड़ी बात हुई, और आने वाले दिन में चीज़ें सब सॉर्ट आउट हो जाएंगी, कुछ भी इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन मुझे नहीं लगता होगा। हो सकता है कि वो गिरफ्तारी को लेकर कुछ चीज़ें बन जाए या जांच को लेकर कुछ चीज़ें बन जाए, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी गड़बड़ है। ठीक ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। ओके भाई साहब, चलते चलते कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं तो जनता से अपील करना चाहता हूँ कि पहले कानून को समझे, यह कानून, यह जुर्माना, यह जो है कि सजा उस व्यक्ति के लिए है जिससे एक्सीडेंट अगर हो गया, बाय डिफॉल्ट ही हो गया, मान लो किसी कारण से हो गया, मान लो झपकी आ गई, या मान लिया सामने वाला जल्दी से आ गया, या कोई दशा किया था आ गया, तो आपसे एक्सीडेंट हो गया, कोई बात नहीं एक्सीडेंट हो गया, तो आप अपनी गाड़ी लेकर भागो मत, आप रुको भी मत वहाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ रुको, आप नेक्स्ट थाना जो पड़ता है, आगे जो थाना पड़ता है, उस थाने पर वहाँ के जो दरोगा हो, SHO हो, या वहाँ का जो SDM हो, आजकल तो ऑनलाइन मोबाइल से भी सब मैसेज जाता है, आप मोबाइल से मैसेज कर दो कि मेरी गाड़ी नंबर फला फला फला, मैं ड्राइवर, मेरे से एक एक्सीडेंट फला जगह हो गया है, तो आपकी सूचना वहाँ इंगित हो गई, और आपके ऊपर यह केस
या फाइन या जुर्माना और यह सजा नहीं लागू होगी। यह सजा उनके लिए है जो हिट करके रन कर जाते हैं, सरकार को नहीं बताते हैं। उन पर ये नियम लागू होना चाहिए। मैं मांग भी कर रहा हूं सरकार से, जो लोग लेकिन जो ईमानदारी से सिर्फ ड्राइवर है, ड्राइवरी करते हैं, देश की हर नागरिक को अपना परिवार मानते हैं, अगर उनसे एक्सीडेंट हो गया और वो बता रहे हैं, उनके ऊपर ये केस लागू न था, न है, न होगा। यही नियम कानून है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जैसे मतलब गाड़ी ट्रक ड्राइवर जा रहा है और सामने से कोई आ जा रहा है, गलती उसकी है और वो मर जा रहा है और ये चला जा रहा है, मतलब इन्फॉर्मेशन भी दे दे रहा है अगले चौकी में, तो इसको सजा है? पाँच साल है ना? अरे सजा तो होगी, आत्महत्या की बात जैसे कोई आप गाड़ी लेकर जा रहे, कोई आत्महत्या के नियत से या कोई ढकेल दे या फिर कोई अचानक आ जाए, उसके लिए क्या प्रावधान? बता रहा हूँ भाई ने इसलिए पूछा क्योंकि आप विधि के छात्र नहीं है, आपको पता है कि अगर आत्महत्या कोई करता है, नहीं आत्महत्या नहीं, आत्महत्या नहीं, जैसे अगर हम गाड़ी लेके जा रहे और बाय मिस्टेक गलती से अगर लग जा रही है, मर जा रहा सामने वाला, आत्महत्या वाली बात नहीं आ गया। गाड़ी सामने आ जाते ना, अक्सर एक्सीडेंट मतलब मर्डर नहीं होता, अक्सर मर्डर नहीं होता, 1% होता होगा मर्डर। ठीक है ठीक है, आप जो कह रहे हो ठीक है, सारी बातें ठीक है। कहने का मतलब है कि वो बाय डिफॉल्ट हो गया ना, ये न चाहते हुए हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में एक्सीडेंट है, तो एक्सीडेंट का केस इस पर लागू है, जो एक्सीडेंट जांच का विषय है, वो जांच का विषय है, एक्सीडेंट है या हत्या है या आत्महत्या। जब तक जांच होगी ये जेल में रहेगा? नहीं नहीं नहीं, जेल में कहाँ रहता है ड्राइवर, कहाँ जेल में रहता है, किसने कह दिया आपको ऐसा कुछ नहीं है? अगर जांच हो जाएगी उसके बाद इसको सजा होगी 5 साल? देखिए ये सारा सजा जो भी हो रहा है, वो 10 साल भी सजा जो हो रहा है, वो जांच के विषय के बाद ही होगा। अभी तो इस पर मंथन चल रहा है, अभी ये बनाया गया है, जो बनाया गया नियम है वो ऐसा नहीं है कि उसको पकड़ के तुरंत 10 साल भी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो जांच यानी कोर्ट में केस होने के बाद जब चलेगा, तब उसके बाद जब ये भी हो जाएगा कि आपने हिट करके भागे, तब आपके ऊपर लागू होगा। आप हिट करके मान लिया, आपसे हिट हो गया, हिट करके ना कहिए, आप मान लो आपसे हिट हो गया, हिट हो गया और उसके बाद आपने थाने में सूचना दे दी, तो आपका सूचना हो गया, केस भी दर्ज हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में जांच होने के बाद ये मालूम हो जाए कि नहीं भैया ये एक्सीडेंट था, काफी तब ये लोगों को ये चीजें निर्णय होगा, जज तब निर्णय, जज देगा निर्णय, ऐसा नहीं कि अपने मन से कोई पकड़ लिया कहीं चलो जांच हो गया कि हम निर्दोष हैं, उसके बाद सजा 5 साल है। नहीं निर्दोष कैसा, कैसा निर्दोष कैसा? भाई सामने से उसकी गलती थी, हम जा रहे थे। नहीं नहीं देखिए, सामने से गलती थी, आप जा रहे थे, यह कोर्ट का विषय है ना, ये तो अब ऐसे थोड़ी फैसला हम लोग जांच का विषय है, जांच में जो बातें होंगी फिर जांच होगा, जो जो फैसला करेगा वो सर्वमान्य है। जज को समझ में आया, मतलब कोर्ट जांच करने के बाद जैसे निर्दोष साबित कर दिया तो उसके बाद सजा है? अरे निर्दोष निर्दोष को क्या सजा होगी? आप भी कैसी बात कर रहे हो, खुद ही निर्दोष को सजा होगी? आपको भी पता है कि हमारे संविधान में, हमारे देश के कानून में ये नियम है कि किसी भी निर्दोष को कोई सजा नहीं होनी चाहिए। ये अपने देश का संविधान है, उसके लिए 10 या 100 दोषी छोड़ने पड़े तो भी छोड़ दो, लेकिन निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, ये आपके संविधान का मूल है। कैसे आप बात कर रहे हो, निर्दोष को कैसे सजा हो जाएगी? ऐसा थोड़ी होता, वो कोर्ट का विषय है, उसको कोर्ट में छोड़िए। मैंने उनका पूछने का विषय ये है, जैसे आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति गाड़ी लेकर जा रहा है तो कोई व्यक्ति अचानक अगर आ गया, अचानक आ गया, तो इसमें क्या वो 10 साल वाली सजा लागू होगी या क्या लागू होगा, ये इनका पूछने का विषय। आप फिर सब विषय को भटका रहे हैं जी। 10 साल की सजा तब लागू होगी जब आप हिट करके भाग गए, पहली बात भी जान लीजिए, आप हिट करके भागे नहीं, सूचना दे दिए, तो 10 साल की सजा आपको होनी ही नहीं है, न तो 7 लाख साल 7 लाख का जुर्माना होना। लेकिन लोग तो भ्रम में है। अरे भ्रम तो बहुत कुछ फैलाए थे, अभी इसके पहले भ्रम फैलाए थे, अडानी को पैसा दे दिया, पूरा खत्म कर दिया, इस वो पहला जगह से हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, इसके बाद कहे थे कि वो अनिल अंबानी को पैसा दे दिया 38 लाख करोड़ रुपए, तो बोलने का भ्रम फैलाने का तो तरीका बहुत है, बहुत लोग फैलाते, कोई सदन में फैलाता है, कोई बाहर फैलाता है, कुछ हुआ कोर्ट ने भी बरी किया, कोर्ट ने भी माना, और उसके पास माफ़ी भी मांगे, माफ़ी मांगे थे नहीं मांगे, राहुल गांधी माफ़ी मांगे थे ना, सुप्रीम कोर्ट में ही माफ़ी मांगे थे, लिखित माफ़ी मांगे थे, कोई ऐसा नहीं है कि अपने मन से मैं बोल रहा हूँ मुझे माफ़ी मांगे, लिख के माफ़ी मांगे थे कि मुझसे गलती हो गई। तो देखिए अब वो तो विषय अलग है, लोग भ्रम फैलाने वाले बहुत हैं, मसला ये है कि नियम क्या है उसको समझ। अगर नियम ये है कि आपसे एक्सीडेंट हो गया
वो चाहे जैसे, हम तो कहेंगे हो गया, हम थोड़ी करेंगे आपने मारा। अगर मान लिया हो गया एक्सीडेंट, तो आप इसकी सूचना शासन प्रशासन को दें, यह आपका दायित्व है। इससे आप भी सुरक्षित, 10 साल की सजा वाला प्रावधान नहीं लागू होगा, और जिसका एक्सीडेंट हुआ वो भी सुरक्षित, क्योंकि उसका इलाज भी हो जाएगा। तो आप समझिए इसको कि इस कानून का मकसद दोनों को सुरक्षित करना है, हमारे ड्राइवर को भी सुरक्षित करना है, और उसके साथ साथ जिसका एक्सीडेंट हुआ उसको भी सुरक्षित करना है, क्योंकि दोनों देश के नागरिक हैं ना, अपने परिवार के सदस्य हैं ना। तो ये मकसद है कानून का। अब इसको तोड़ मरोड़ के लोग पेश करें, अरे एक ड्राइवर है कहाँ से पाएगा, तो अरे काहे को मारेगा। मैं कह रहा हूँ कि हिट करके काहे भागेगा, ना भागे, हिट हो गया किसी तरीके से, किसी कारण से हिट हो गया, मान लो अचानक आ गया तो हिट हो गया, या कुत्ते को बचाने के चक्कर में हिट हो गया, या हो सकता है धक्की लग गई हो तो हिट हो गया, तो कुल मिला के हिट हो गया तो इसकी सूचना दे दो, भैया मिस्टेक हो गई, काम खत्म। चलिए फिलहाल आगे जो कानून में जो चीज़ें लागू होंगी या बदली जाएंगी उनकी बातों को मुकम्मल देखने के लिए हमारे चैनल को आप फॉलो करें, और कमेंट सेक्शन में हिट एंड रन लॉ जो पर जो बातें हुई है कृष्ण शंकर श्रीवास्तव जी द्वारा, इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, क्या बातें होंगी, इनकी बातों में क्या गलत बातें हैं, इसको अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं दोस्तों, तब तक के लिए मैं अलविदा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।